नमस्कार दोस्तों, डीआर क्लासेस बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहां पर देखेंगे आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन सीबीटी 2 के पार्ट बी, जिसमें हम लोग फिटर थ्योरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहां देखेंगे इसका पार्ट बी। इसके पहले हम लोगों ने जो है पार्ट वन में जो है 1 से लेकर के 45 क्वेश्चन देख लिया है, आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है पार्ट ए नहीं देखा हो, और डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे लिंक है, वहां से आप जो है पार्ट ए ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 46 है आपका, कह रहा है यह रेती धातु पर अच्छी फिनिश प्रदान करने व कठोर धातुओं की फाइलिंग करने के लिए उत्तम है। तो देखिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रेती है जो अच्छी फिनिश, मतलब अच्छी फिनिश प्रदान करने और कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है बस्टर्ड रेती, रफ रेती, स्मूथ रेती, सेकेंड कट रेती। तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो है हम सेकेंड कट रेती का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 47 है, किस रेती का एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग करने से पहले परिष्कृत की गई सतह से 90 अंश के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है, फ्लैट रेती, हैंड फाइल, वर्गाकार रेती, त्रिकोणी रेती। तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है वह हैंड फाइल के लिए किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 48 है, सिंगल कट रेती प्रयोग करते हैं नर्म धातुओं को रेतने के लिए, ढलाई किए धातुओं को रेतने के लिए, भारी मात्रा में धातु हटाने के लिए, लकड़ी व लैड को रेतने के लिए। तो देखिए दोस्तों सिंगल कट, चूँकि सिंगल कट रेत आपकी फाइल है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है वह नर्म धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 49 है, साल्ट रूल का प्रयोग करते हैं तंग जगह का माप लेने के लिए, सभी साधारण कामों में स्लाट या ग्रू का माप लेने के लिए, लंबी सतह का माप लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों चूंकि साल्ट रूल है तो इसलिए हम इसका प्रयोग जो है स्लाट या ग्रू का माप लेने के लिए करते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 50 है, स्टील रूल किसका बनाया जाता है, फोज स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, एला स्टील का। तो देखिए जो आपका स्टील रूल होता है वह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 51 है, श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है शीट मेटल वर्क में, स्मिथी के कार्य में, पैटर्न मेकर में, डाई मेकर में। तो देखिए दोस्तों जो श्रिंक रूल होता है वह जब हम क्या करते हैं पैटर्न बनाते हैं तो वहाँ यूज करते हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, की शीट रूल का प्रयोग करते हैं साफ्ट या रॉड पर की वेज मार्किंग के लिए, बाहरी माप के लिए, अंदरूनी माप के लिए, गहराई मापने के लिए। तो देखिए दोस्तों जो की शीट रूल है उसका प्रयोग जो है हम सॉफ्ट या राड पर की वेज मार्किंग के लिए करते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, टेलीस्कोप गेज एक कैसा मापी औजार है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है या तुलनात्मक है। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज है इसमें माप आपकी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा, यानी यह अप्रत्यक्ष है। टेलीस्कोपिक गेज जो है उसकी रेंज होती है 5 से 100 mm, 12.7 से 152.4 mm, 10 से 150 mm, डी है आपका 10 से 100 mm। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज की रेंज होती है वह 12.7 से 152.4 mm होती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 55 है, कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है, हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट होता है उसे हम क्या करते हैं कोण चेक करते हैं। तो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, रूल हेड। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका प्रोटेक्टर हेड होगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है मार्किंग करने, गोलाई चेक करने, गोलाई चेक करने, कोण मापने, गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने।
तो देखिए जो प्रश्न नंबर 56 है इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी इसका प्रयोग जो है हम गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने में करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 57 है दोस्तों, स्ट्रेज एज बनाए जाते हैं। स्ट्रेज एज आपके किसके बनाए जाते हैं? पीतल के बनाए जाते हैं, स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो देखिए आपके जो स्ट्रेट एज होते हैं वह स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, बेवल गेज से चेक होते हैं रेडियस, कोण, फ्लैटनेस, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो बेवल गेज होता है उसे हम सिर्फ कोण चेक करते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 59 है, टेलीस्कोपिक गेज का भाप चेक किया जाता है। तो टेलीस्कोपिक गेज का भाग चेक किया जाता है, ऑप्शन दिया गया स्टील रूल से, आउटसाइड कैलिपर से, आउटसाइड माइक्रोमीटर से, रिंग गेज से। तो देखिए टेलीस्कोप जो गेज है इसका जो भाप जो माप चेक किया जाता है सॉरी टेलीस्कोपिक गेज का जो माप चेक किया जाता है वह आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर से किया जाता है। प्रश्न नंबर 60 है आपका, बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है एक अंश, एक मिनट, पाँच मिनट, पाँच इंच। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात एक अंश होगा। प्रश्न नंबर 61, बॉक्स रिपीट स्पिरिट लेवल द्वारा ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है 61, क्षैतिज, वर्टिकल, एंगुलर, एक्रॉस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एक्रॉस। प्रश्न नंबर 62 है, रेती की टैंग नरम रखी जाती है क्योंकि इसे हार्ड करना कठिन होता है, हार्ड करने पर वह हैंडल फिट करते समय वह टूट सकती है, हार्ड करते समय इसे हैंडल से पकड़ा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रेती की टैंक को नरम इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह हार्ड करने पर वह हैंडल फिट करते समय वह टूट सकती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, कर्व्ड कट रेती का एक फेस चपटा या फ्लैट होता है, इसका उपयोग किया जाता है हार्ड धातुओं को रेतने के लिए, आरी के दांते तेज करने के लिए, नर्म धातु जैसे एल्यूमिनियम, टिन व तांबा को रेतने के लिए, लकड़ी रेतने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है वह नर्म धातु जैसे एल्यूमिनियम, टिन व तांबा को रेतने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 64 है आपका, ऑड लेग कैलिपर को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ट्रांसफर कैलिपर, जेनी कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। तो देखिए जो इसका ऑप्शन ए है इसे ट्रांसफर कैलिपर से नहीं जाना जाता है, बाकी तीन अन्य नामों से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 65 है, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं हार्ड, केस हार्ड, नर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं वो केस हार्ड होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या है, सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 66 है आपका कि पीपीएस का क्या अर्थ है? तो देखिए जो आपका पीपीएस अर्थ है का अर्थ दिया गया ऑप्शन इसमें, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंटेंटिविटी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, पीपीएस का जो अर्थ होता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 67 है आपका कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? एग्जॉस्ट फैन का, सीलिंग फैन का, फिल्टर रेस्पिरेटर्स का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो है सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हम जो है फिल्टर रेस्पिरेटर्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 68, सिर की सुरक्षा के लिए हम उपयोग करते हैं हार्ड हैट, हेलमेट, कैप, उपरोक्त ए व बी दोनों। तो देखिए हम हार्ड हैट्स भी यूज़ कर सकते हैं, हेलमेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं हवाई चप्पल, कैनवेस शू, लेदर शू, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पैरों की सुरक्षा के लिए हमें जो है लेदर शू पहनना चाहिए। प्रश्न नंबर 70 है, आँखों की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गॉगल्स का, ग्लासेस का, फेस शील्ड्स का, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी हम चूंकि गॉगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, फेस शील्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं ओरल्स, ग्लोब्स, एप्रॉन, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 5S का प्रचलन किस देश से प्रारंभ हुआ? तो देखिए जो 5S का प्रचलन है वह जापान से प्रारंभ हुआ, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 5S में सीरी का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं को छांटना, आवश्यक वस्तु को क्रम में सेट करना, कार्यस्थल को साफ करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो सीरी का अर्थ होता है वह होता है आपका अनावश्यक वस्तुओं को छांटना, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 74 है 5S में, सेशन का अर्थ है कार्यस्थल को साफ रखना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, आवश्यक वस्तुओं को क्रम में सेट करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए चूंकि एक ही आंसर हो सकता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आवश्यक वस्तुओं को क्रम में सेट करना, अर्थात इसका ऑप्शन सी क्या है सही है। प्रश्न नंबर 75 है 5S में सिसो का अर्थ है वस्तु को साफ सुथरा व क्रम में रखना, कार्यस्थल को साफ रखना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका ऑप्शन है आपका 5S में जो शिशु का अर्थ होता है वो होता है आपका क्या कार्यस्थल को साफ रखना, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 76 5S में जो है साइकेट्सु का क्या अर्थ है, वस्तु को साफ सुथरा व क्रम में रखना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, मशीनों को चालू हाथ रखना, उपरोक्त सभी। तो इसका अर्थ होता है वस्तु को साफ सुथरा व क्रम में रखना, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 77 है 5S में शिक्षु का क्या अर्थ है, स्वयं अनुशासन, कार्यस्थल को साफ रखना, मशीनों को चालू हालत में रखना, उपरोक्त ए व सी दोनों। तो देखिए इसका ऑप्शन ए व सी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 78 है वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए, चुपचाप देखें, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, बिजली का मेन तुरंत बंद कर दें, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें बिजली का जो मेन है उसको तुरंत क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, अर्थात इसका ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 79 है यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए, भगदड़ ना मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन सभी है आपका, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है आपका ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के आगे खड़े हों, व्हील की साइड में खड़े हों, ग्लासेस पहने, उपरोक्त बी व सभी। देखिए ग्राइंड करते समय आपको हमेशा जो है व्हील के आगे खड़े हों या व्हील की साइड में खड़े हों, अर्थात व्हील के आगे कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए, व्हील की साइड में खड़े हों या गॉगल्स पहने। तो इसका ऑप्शन बी व सी दोनों सही होगा, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 81 है हैमर प्रयोग करते समय नज़र किस पर रखनी चाहिए, चिजल हेड पर, जॉब पर, हैमर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो है हैमर प्रयोग करते समय हमेशा जो है चिजल हेड पर नज़र रखनी चाहिए, अर्थात इसका ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी जो है अच्छी ना दिख रही हो तो आप कृपया अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, 480 पिक्सल या 720 पिक्सल कर लें तो आपको वीडियो जो है अच्छा दिखेगा। और हाँ दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।